गुड इवनिंग। आज है मंडे और आज का इवनिंग मैंने आपको गुड इवनिंग तो बोल दिया है, पर एक्चुअली क्या रियली गुड है मेरे लिए, मेरा जो फ़ोन था वो टूट चुका है आज मेरा दोपहर को, और वो लेके मिथुन गए है आई सेंटर, होम सेंटर बोल रही हूँ, मिथुन गए है आई सेंटर एंड वो स्किन गार्ड मेरे पास है, ये है स्किन गार्ड, इसका ये हालत है और वो स्क्रीन का क्या हालत हो सकता है आपको शायद, और अगर वो मुझे नहीं लगता वो ठीक हो सकता है, वो रिपेयर वो लोग कर सकते हैं इसका, अगर कर लेते तो वो उसे जमा कर लेंगे और नहीं तो मिथुन उसे वापस ले आएंगे, तब अब देखना कि उस मोबाइल का क्या हालत हो गया है। पर मेरे पास अभी मेरा जो सिम है वो भी वापे है, मैं भी अपने सिम भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे पास ये जो मोबाइल है इसे अभी मैं काम चला रही हूँ, ये भी ये मेरा एक पुराना नंबर है, तो ये नंबर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह है वहाँ पे दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे, मेरे मायके में ये वो दिया है कि अगर बहुत ज़रूरी ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा, और ये है मेरा वो नंबर, सॉरी वो फ़ोन, एंड पता नहीं उस फ़ोन का क्या होगा, लास्ट 200 से मैं उस फ़ोन को यूज़ करी थी और वो टूट चुका है, एक मतलब आपका पैसा खर्च होने वाला है और अगर नया लेना है तो ये सब वो बात की बात है, अगर एक चीज़ आप लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं ना उसके ऊपर अलग से एक मतलब बुरा लगता है कि इतने दिन से आप उसे यूज़ करें, और उसमें मतलब पिंक कलर का था और मैं और मिथुन एक साथ जब आईफोन 7 प्लस जस्ट आया था मार्केट में उस टाइम में ही हमने लिया था, मैं और मिथुन ने सेम मॉडल सेम सब कुछ, उसका ब्लैक था और मेरा पिंक, सॉरी पिंक नहीं वो गोल्डन गोल्डन या रोज गोल्डन कलर, मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि कवर दिया हुआ रहता है हमेशा, वो कवर भी कितनी शौक से हमने लिए थे और सब गया। आर्यन টাওয়ালটা কেউ চেয়ারের উপর রাখে, এরকম কাঠের চেয়ার না, ভিজে জিনিস রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। ইয়া পে কুছ বক্সেস হ্যায় ইসে ভি মতলব রাখনা হ্যায় আরাম সে, ক্যুঁকি ইসকে অন্দর ভি বহুত সারে ফাইলস বগেরা বহুত সারে ইম্পর্টেন্ট চিজে হ্যায়, এটা কমপ্লিট করে নাও আর যদি যখন হয়ে যাবে তখন আমাকে ডাকবে, আমি কোশ্চেন দেবো, ঠিক আছে? तो अभी मैं करूँगी अपना फेस क्लीन, और जब मैं अपना फेस क्लीन करने आई हूँ तो जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने लास्ट 3-4 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मैं जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ अभी तो वो कौन सा है, तो लास्ट 2 वीक से मैं ये सारे फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा भी था कि इसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू मैं आपका दूंगी कि ये कैसा है कैसा नहीं। तो ये है ममा अर्थ का, ये मामा अर्थ का है, और ये फेस वॉश जो है ये टी ट्री फेस वॉश, टी ट्री जैसे आपको पता है कि हमेशा स्किन को प्यूरीफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं, एंड प्यूरीफाई मतलब पिंपल्स एक्ने अगर आपके फेस में होते तो उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। स्पेशली मामा अर्थ के जो फेस वॉश है वो पैराबिन एंड SLS फ्री है, एवरीडे ब्लॉग में आप जो है स्किन देखते हैं ये काफी क्लीन एंड क्लियर है, और इसमें थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा डैश भी आपको दिखाई नहीं देगा ये मेरे स्किन पे एक भी, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि आपको मैं ये रिकमेंड करूं, क्योंकि जो कोई भी चीज़ जब तक आप खुद यूज़ नहीं करते तब तक आप इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। बिना किसी क्रीम बिना किसी मॉइस्चराइजर के मेरा जो स्किन है वो है ये, और इससे मैं काफी खुश हूँ। इसके अलावा भी इनके और भी 2 फेस वॉशेस हैं जो कि अलग अलग स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए हैं। ये है चारकोल फेस वॉश, और चारकोल फेस वॉश आपको क्या करते हैं आपकी स्किन को बाहर के धूल मिट्टी पॉल्यूशन से बचाते हैं, ऑयली स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, और स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है उसे बैलेंस करने में बहुत हेल्प करते हैं। और एक ही उबतन फेस वॉश, और उबतन ये तो आप सबको पता है कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डाला जाता है, जो कि हम नॉर्मली शादी के टाइम में यूज़ करते हैं ताकि शादी वाले दिन बहुत अच्छा मतलब थोड़ा सा गोरा गोरा खिला खिला दिखे, तो ये भी सेम काम करते हैं, स्किन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करते हैं और सन डैमेज से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका अगर प्राइस अगर आप पूछे तो मैं आपको बता दूँ कि इसका प्राइस है 249 रुपीज़, और इसमें है 100 ml प्रोडक्ट, और ये प्राइस अगर आपके लिए ज़्यादा लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस है तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है,
वो है मामा अर्थ की साइट का लिंक, वहां पे जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के नीचे भी एक कूपन कोड दिया गया है, उसे आप जाके यूज कीजिए तो इसका जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशली ये टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीनेजर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पिंपल एक्ने हो जाते हैं, ये दोनों चीज में बहुत ज्यादा पिंपल एक्ने या उसके दाग धब्बे हो जाते हैं, तो वो सारे चीज से आपको रिलीज दे सकते हैं। आज पूरे दिन ना ही अच्छे से कुछ खाना बनाई है, ना ही कुछ खाया है पिया है, तो अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। अभी मिथुन का जस्ट फोन आया था, मिथुन बोल रहे थे मतलब वो ऑफिस से वहाँ पे गए हैं, मैंने सोचा था कि घर आएंगे और उसके बाद जाएंगे, तो मिथुन ने फोन किया कि ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ पे गए और वहाँ से फिर से ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम बाकी है, तो किसी और के बाइक लेके गए हैं, तो वरना आई सेंटर बंद हो जाता, वो लोग उसे रिपेयर कर पाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, तो इसलिए थैंक गॉड कि मतलब एटलीस्ट ठीक होगा। पर उसका कोटेशन मतलब कितना प्राइस आएगा वो कल ही बोलेंगे, बोल पाएंगे वो लोग, तो अभी देखते हैं वो कल पता चलेगा कि कितना होता है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ हिलशा फिश के साथ, तो ये रेसिपी बहुत ही कम लोग बनाते हैं। हिलशा फिश मीन्स शोशे इलिश, इलिश भापा, दोई इलिश ऐसा कुछ, या इलिश पातोड़ी ऐसा कुछ रेसिपीज, पर इस तरह की रेसिपी बहुत ही कम लोग बनाते हैं। तो आप में से जो भी लोग थोड़ा सा अलग ट्राई करना चाहते हैं वो इसे ट्राई कर सकते, वरना तो मेरे हस्बैंड मतलब मिथुन का कहना है कि इलिश माछर अपमान करो ना, ऐसे मैं एक रेसिपी आज बनाऊंगी। मिथुन को मैंने पहले से बोला था कि आज मैं नया कुछ ट्राई करने वाली हूँ, तो सुनने के बाद ही बोल रहा है कि इलिश माछर अपमान करो ना। तो आप में से जिनको भी लगता है कि ये फिश को इंसल्ट करना होता है तो आप प्लीज मत बनाना, पर इसे ये बहुत अच्छा होगा, ये मेरा गारंटी है। पहले कभी नहीं बनाई पर आज मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ एंड मुझे यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। बाकी तो आपका मर्जी, मैं जब इसे हम टेस्ट करेंगे मतलब डिनर के टाइम में मिथुन के मुंह से भी मैं आपको बुलवाऊंगी ये अच्छा हुआ कि बुरा, मेरी बात मत सुनना। मिथुन अगर अच्छा बोलते हैं तो जरूर ट्राई करना, और अगर मिथुन बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, तो आप अपनी आपकी मर्जी मतलब आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, पर मैं नया नया जो रेसिपी है वो ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बहुत ही सिंपल घरेलू जो इन्ग्रीडियंट्स
हमेशा हम यूज करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी, ऐसा स्पेशल कुछ नहीं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो मसाले चाहिए वो मैं आपको एक बार बता दूं। एक छोटे से बोल में मुझे लेना है कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड्स पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अगर चाहे तो आप कश्मीरी भी यूज कर सकते हैं और बहुत वो तीखा वाला भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट और चॉप्ड गार्लिक, यहाँ पे मैंने चॉप किया है, पेस्ट नहीं बनाया है। और अभी ये सारे मसालों में थोड़ा सा मुझे ऐड करना होगा वाटर, एंड देन मिक्स इट वेल। हो गया तैयार हमारा एक थिक मसाला, पर इसमें अगर गार्लिक पेस्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर इतना मतलब कम गार्लिक मैं पेस्ट भी में नहीं बना सकती मिक्सर में, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इसका पेस्ट बना लीजिएगा। तो अभी सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं ये फिश जो फ्राई की थी ना, तो इस ऑयल में सबसे पहले मैं फ्राई करूँगी चॉप्ड अनियन। कल मैंने जो आपको रेसिपी बताई थी ना, तो उस रेसिपी में मैंने ऐड की थी पाँच फोड़न। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि व्हाट इज पाँच फोड़न, क्या है पाँच फोड़न। तो मैं आपको बोल दूँ, पाँच फोड़न इज अ बंगाली वर्ड एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइव होल स्पाइसेस लाइक सौफ, निगला सीड्स, देन फेनुग्रीक सीड्स, क्यूमिन सीड्स एंड लास्ट वन इज राधुने। एंड राधुने इज अ बंगाली वर्ड एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ राधुने। तो राधुने जो है वो बहुत यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो पाँच फोड़न मिलता है उसमें राधुने बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं वो चार फोड़न ही यूज़ करती हूँ, मतलब उसमें चार ही मसाले होते हैं, तो वही मैं यूज़ करूँगी। क्या क्या कह सकते हैं। तो मेरे भाई आने वाले हैं, तो भाई को मैंने बोल दिया है कि आने के टाइम में कोलकाता का जो एक्चुअली जो राधुने है, राधुने अलग से और पाँच फोड़न अलग से ले आने के लिए, तो तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पहली बात तो ये है कि ये जो अनियन मैं फ्राई कर रही हूँ इसे मैं मुझे हल्का लाल होने तक फ्राई करनी है, उसके बाद इसमें मुझे ऐड करनी है वही पाँच फोड़न। ठीक है, पाँच फोड़न मैं ऐड करूँगी, फिर थोड़ा सा स्टीर करूँगी और फिर ये जो मसाले हैं मिक्स मसाला, तो ये मसाला मैं उसमें ऐड कर दूँगी, अच्छी तरह से थोड़ा सा स्टीर कर लूँगी जब तक ना ऑयल सेपरेट होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँगी। तो अभी जबकि अनियन फ्राई हो रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी ताकि अनियन जल्दी से फ्राई हो जाए, मतलब जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अभी जबकि ये थोड़ा सा कुक हो चुका है, मतलब थोड़ा सा लाल हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पांच फोड़न, एक स्पीटेड ग्रीन चिली, और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस मिक्स मसाला। एंड बिलीव मी, खुशबू इसका इतना अच्छा आ रहा है कि मैं आपको कैमरा में तो बता नहीं सकती, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। नाउ एज यू सी ऑयल हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द ग्रेवी, सो नाउ दिस इज द टाइम टू ऐड मोर वाटर। Now let it be boil and then add the fried fish.
तो फाइनली अभी हम डिनर कर रहे हैं और आपको जैसे मैंने उनको बोला था कि इस ऐसे स्टाइल में हिलशा फिश मिथुन को पसंद नहीं है, तो मिथुन आज खुद टेस्ट करके आपको बताएंगे कि अच्छा हुआ कि नहीं, और वो भी ऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, मैंने बनाई है तो इसलिए ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें लगता है वो भी बोलो कि ताकि व्यूअर्स को कुछ आइडिया हो जाए कि ये अच्छा हुआ कि नहीं, तो बाद में बना सकते हैं। वो तो ठीक है, ये कतला और रूहू इस स्टाइल में बनाता है ना? कतला रूहू बनाते हैं, पर हिलशा तो कभी नहीं बनाते, तो आज बना के देखा है कि अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना मास्टर टेस्ट कर देखो। একদম ভালো লাগছে না নাকি একটু ঠিক আছে অন্য স্টাইলে? হিলশা যে টেস্টটা সেই টেস্টটা ভালো লাগছে না, যে টেস্টটা ভালো লাগে না। ওকে, তো মত বানানা क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा सा अलग स्टाइल में थोड़ा सा बनाऊ। हिलशा मतलब एक ही टाइप के हम बनाते हैं, तो हम नहीं खाएंगे। हाँ बाबू, पैसा मेरे बहाना पे गई है। हिलशा रियली बहुत मुश्किल होता है, इसके जो कांटे हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो आर्यन को ये क्लीन करके खाना नहीं आता। आप लोगों को शायद पता नहीं, मैडम जो बोल रही है ना, मैडम भी हिलशा नहीं खाती थी पहले, बिकॉज ऑफ थ्रॉन ओनली, और शादी के बाद इनकी दादी ने, दादी नहीं, नानी, नानी नानी ने मुझको प्लेट में हिलशा देख बोला कि अभी खिलाओ इनको। तो ये थॉर्न सेपरेट करके दिया था। पहले मैं भी हिलशा नहीं खावाती थी शादी के पहले पहले भी, तो उस टाइम में मिथुन ने किस तरह से मतलब ऐसे हिलशा फिश का बहुत मुश्किल होता है काटा साफ करना, तो अभी मैं खाना सीख गई हूँ। तो आर्यन का जो काम था वो मैंने कर दिया है, तो अभी मैं जाऊंगी पूरे घर के लाइट्स ऑफ करूंगी। आर्यन तो सो गया, और इस वीक में तो हम जा रहे हैं घूमने, तो और अभी तो 3-4 दिन तक कुछ शायद ये नहीं होगा, तो अगर आप चाहे तो मेरे इस ट्रिप को भी एंजॉय कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके, एंड अगर हो सके तो वहाँ से मैं लाइव आऊँगी, पर वीडियो व्लॉग मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर वाईफाई, होटल का वाईफाई से मेरा ये जो कैमरा का शूटिंग है, ये मोबाइल का शूटिंग भी अगर होता तब भी मैं वहाँ से पोस्ट कर सकती थी, पर कैमरा का शूटिंग से नहीं हो सकता। जब भी मतलब मौका मिलेगा आपके लिए मैं अपडेट्स देती रहूँगी, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स पोस्ट करती रहूँगी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करना, एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए तो ज़रूर फॉलो करना जब मैं जाऊँगी वहाँ पर उस दिन। तो चलिए, इस तरह से आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म होता है, एंड कल फिर मिलते हैं आपको मेरे नए ब्लॉग के साथ। और बाय बाय करने से पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि डेली लाइफ में जिस दिन जैसे हमारा जाता है उस दिन ऐसे ही हम डेली ब्लॉगर आपको दिखाते हैं हमारा लाइफ कि एवरी डे, मतलब मैंने कुछ मैसेज अभी रिसीव करी हूँ कि कुछ नया दिखाओ नया दिखाओ, सी ये मेरा नया, अब क्या देखना चाहते हैं इससे? आप देखना चाहते हैं कुछ DIY, कुछ अलग अलग तरीके के रेसिपी मेरे डेली लाइफ में आ ही जाते हैं, तो जिस दिन मैं स्पेशल कुछ बनाती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ DIY प्लस और भी कई सारे आपके रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए अलग अलग चैनल है, तो मैं अगर DIY कुछ नहीं कर सकती तो मैं अपने चैनल में कैसे दिखा सकती हूँ, है ना? तो इसी तरह से अगर आप मतलब किसी की डेली लाइफ देख रहे हो तो उसके डेली लाइफ में हर रोज़ कुछ इंटरेस्टिंग होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन हमारा भी बोरिंग जाता है तो वो दिन उस तरह से मैं प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने, कोई दिन अगर बहुत मस्ती में जाता है तो उस दिन को मैं आपको मस्ती के साथ ही प्रेजेंट करती हूँ। तो इस तरह से हर ब्लॉगिंग में आप एक भी ब्लॉग चैनल का नाम बताइए कि एवरीडे उनके लाइफ में कुछ नया होता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पर एवरीडे कुछ नया नया होता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता, क्योंकि डेली ब्लॉगर जो लोग होते हैं तो उनके डेली लाइफ ही आपको देखना पड़ता है। तो आई होप के आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रही हूँ। तो कल मिलते हैं मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।